Hi, this is Ujjal Kumar Sen, and our topic to आपने देख लिया होगा कि how to study for long hours. यहाँ पर एक word और use करूँगा, वो क्या है? Proper concentration. देखिए, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप time table कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, ना जो general सी बात है बिल्कुल बात नहीं करूँगा. यहाँ बिल्कुल practical approach की बात करूँगा, जो काम कर लिया और जो सिर्फ और सिर्फ gate के लिए और किसी भी competitive examination के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, effective है. तो बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं, अब मान लो बहुत सारे क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन करने आते हैं खासकर गेट के, क्या करते हैं वो, या तो नौकरी छोड़ के आते हैं या फिर जस्ट बीटेक आ जाते हैं. और सिचुएशन ऐसा होता है कि हर बंदे आपसे नाराज होते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के भी, रिश्तेदार भी, फ्रेंड्स भी, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हो. क्योंकि सबसे सबके एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया है बीटेक से, पता नहीं क्या कर लिया, कितना बड़ा कर लिया काम, जबकि ये मेंटेलिटी बना हुआ है और इसको खत्म करना जरूरी है. लेकिन आप मैं खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम लगेगा और उतने टाइम तक आप वेट नहीं कर सकते, राइट? तो आपको क्या करना है, जो सिचुएशन है उसके साथ काम करना है. अब ये चीज आपको मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली, सिनेरियो मतलब फाउंडेशन आपको अगर समझ में आता है ना, तो बाकी जो ऊपर की चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यहाँ पर मतलब क्यों आप स्टडी लॉन्ग आवर्स कर नहीं पाते हो और कब नहीं कर पाते हो, इसके बारे में बात करूंगा मैं डिटेल्स में. तो सिचुएशन से आते हैं तो क्या होते हैं, दिमाग में होता है कि मुझे कुछ करना है और कैसा करना है, कुछ बड़ा करना है और ऐसा कुछ करना है कि मैं आज तक शायद इतना बड़ा कुछ करा नहीं. ये भी हो सकता है, केसेस बहुत सारे होते हैं, या फिर करे होंगे या फिर नहीं करे होंगे. तो मैं जो हमेशा जो बात करता हूँ, हमेशा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करता हूँ, मतलब एवरेज बिहेवियर की बात करता हूँ, राइट? तो अब क्या है, आप उस सिचुएशन को देख लिया, आप आगे कोचिंग में एडमिशन लिया, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं और सारे बोलते हैं हाँ बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा. लेकिन जैसे एक दो महीना जाता है, अपना जो रीजन होता है ना पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे स्लो, मतलब स्लो थोड़ा होता है पढ़ाई, मतलब डाउन हो जाता है आवर्स पढ़ना. अब क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज देते हैं और टेस्ट सीरीज देके देखते हैं भाई नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं. अब हमें डर लगता है कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर अच्छा नंबर नहीं आया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे एक साल बर्बाद हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, आस पड़ोस क्या बोलेंगे. बस ये सोच सोच के हम क्या करते हैं, बस सोचते ही रहते हैं. और इस सोच के चक्कर में क्या होता है, हमारे जो लॉन्ग आवर स्टडी है वो भी खत्म हो जाता है, कंसेंट्रेशन भी खत्म हो जाता है. तो इसको उल्टा करना है, कैसे वो समझाना है मुझे आपको. क्या करना, जैसे आप आते हो, आप स्टार्टिंग में 10 आवर्स मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है. आप स्टार्टिंग करो कम से 2-3 आवर्स पढ़ो, फिर धीरे 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 क्या करो, एंड तक जितने आवर्स पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले 3-4 स्ट्रांग रीजन ढूंढ लो. एक अगर रीजन स्ट्रांग नहीं मिला आगे पढ़ने के लिए, और एक रीजन क्या मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, मतलब एक रीजन तो सबसे बड़ा रीजन आप ढूंढो क्यों पढ़ना है आपको. मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बहुत सारे क्या होते हैं, लोगों के मुंह बंद करवाने होते हैं इसलिए उनको पढ़ना होता है. दूसरा, बहुत सारे को बहुत अच्छा अचीवमेंट करना होता है, हाईली एस्पिरेंट्स होते हैं. तीसरा, बहुत सारे को कुछ दिखाना होता है लोगों के लिए. चौथा, बहुत सारे को क्या होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट क्या है, मेरा फेवरेट यही है कि जो दिल करे वो करो, लेकिन हाँ जब डिसीजन लोगे बहुतों से पूछो और उसके बाद खुद का क्या करो, एनालिसिस करो, खुद को समझो आप कैसे हो, आपका करेक्टर कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा है, आप कैसे सोचते हो, लॉजिकली क्या है, डिसीजन लो. रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कैलकुलेशन करके रिस्क लेना और भी जरूरी है. बिकॉज जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, बट कैलकुलेशन करके रिस्क लेते हैं, राइट? बिकॉज बिजनेस भी इटसेल्फ क्या है, एक रिस्क है, बट उसमें कैलकुलेशन करके रिस्क लेते हैं. कैलकुलेशन करके रिस्क लेंगे नहीं तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, राइट? तो बात करते हैं, चलो ये तो हमारा हो गया भाई, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे. लेकिन अब देखो, मैंने बोला स्ट्रांग रीजन चाहिए आपको, कैलकुलेशन करके रिस्क थोड़ा लेना है. आप क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे लॉजिक है, आपको मैंने एग्जांपल्स दिया. लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम यहीं पर आते हैं, जब क्या करते हैं, आप टेस्ट से जाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अब क्या करें. देखिए यहीं पर सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं और यहीं पर आपको संभालना है अपने आप को. तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि टेस्ट सीरीज तो पहले से देना शुरू कर लो, अब से ज्वाइन कर लो, लास्ट तक आने की जरूरत नहीं है. तो अब से अगर ज्वाइन कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कितने पानी में हो, तो आपके पास टाइम होगा, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, कोई बात नहीं कम नंबर आ रहा है ना, कोई बात नहीं. लेकिन एंड में कम नंबर आएगा और दिसंबर में, तो क्या दिमाग क्या बोलेगा, अरे कम नंबर है क्या फायदा, कितना पढ़ाई करा कोई फायदा नहीं है, तो आप पढ़ने का मन नहीं करेगा. लेकिन अब कम नंबर है क्या बोलोगे,
तुम्हें बहुत सीखने, तेरा दिमाग, आपके दिमाग क्या बोलेगा, मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, दिल बोलेगा हाँ आपको करना चाहिए, तो मतलब क्या है दोनों मैच कर जाएगा, आपके पास टाइम भी होगा, इसका मतलब कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। लेकिन जो मैंने बोला आपका जो ड्यूरेशन है स्टडी का, स्लोली स्लोली बढ़ाओ, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता। देखिए अब जब कोई एक्सरसाइज करने आता है जिम में, तो एक दिन में 100 पुशअप नहीं लगा लेता है, राइट? एक दिन में 100 केजी कोई नहीं उठाता है वहां पर, एक दिन में 10 किलो का डंबल कोई नहीं उठाता है ना। एक्सेप्शनल केस होंगे लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूं। लोग क्या करते हैं, स्लोली स्लोली वेट गेन करते हैं। सेम टू सेम आपको पढ़ाई में भी करना है, ताकि आपके दिमाग और आपका दिल क्या हो जाए, हैबिचुएट हो जाए पढ़ने के लिए। और कम से शुरू करोगे तो धीरे धीरे बढ़ाना है, स्टार्टिंग करो कम से, उसका क्या करना है बढ़ाना है आपको। मैंने हमेशा बोलता हूँ कंटिन्यूअस इंप्रूव करना है अगर लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है तो ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ाना मतलब कि कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहे हो, और आपके पास स्ट्रांग रीजन तो होगा ही, तो आप स्टडी में आपका मन लगेगा। होपली आपको वीडियो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? सो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।